रोजा खुलने में सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं और अभी तक से अफ्तारी रेडी होके नहीं आई। सारे जल्दी प्लीज। कौन सा रोजा? चीनी रोजा। Assalamualaikum everyone. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Welcome back to another vlog. आप सबको हम सब की तरफ से बहुत बहुत रमजान मुबारक। I know कि हम लोग जो हैं इस वक्त थोड़ा सा लेट हैं इस व्लॉग में और उसका रीजन जो है वो ये है कि वी हैव बीन लाइक रियली 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 बिजी और बहुत ज्यादा बिजी रूटीन के साथ हम लोग व्लॉग्स पोस्ट करने में भी थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन फाइनली वी आर बैक ऑन ट्रैक। लेट है लेकिन वो कहते हैं ना कि ना आने से बेहतर है कि हम आ गए। सो आप सबको बहुत बहुत रमजान मुबारक। आई होप आप लोग का रमजान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, मजा आ रहा होगा, इंजॉय कर रहे होंगे अपनी इबादत को, रोजों को, अफ्तारियों को, सहरियों को, हर चीज को। आज जो है मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ अपना अफ्तारी का व्लॉग। आज हम लोग बनाएंगे अफ्तारी। अभी क्या मेन्यू है वो तो डिसाइड नहीं किया, लेकिन रोजा खुलने में रह के हैं सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटा रह गया और 1.5 घंटे में से आधा घंटा जो है वो हम काउंट नहीं करते क्योंकि उसका तो पता ही नहीं चलता है। 1 घंटा हमारे पास रोजा खुलने में और अभी हम लोगों ने अफ्तारी की तैयारी करनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। ये देखें, लुकमान का ये हाल है कि इन्होंने भी ना बस रोजा रखना है, सोना है, उठना है, रोजा अफ्तार करना है, फिर सोना है, फिर रोजा रखना है। हेलो एक्सक्यूज मी, ये देखे चार्जर की वायर्स भी सारी इनके पास ही पड़ी हैं, लगता है ये चार्ज हो रहे हैं। एक्सक्यूज मी, पीछे हो ना, मुझे बाबा को तो उठाने दो। आप फुल नींद पूरी कर रहे हो, उतनी देर में रोजा खुल जाएगा, उठ जाएं। गुड मॉर्निंग, आई मीन गुड इवनिंग। बहुत प्यार आ रहा है अब्दुलरहमान को अपने बाबा पे। अच्छा मुझे पड़ा हुआ है। 1 घंटा रह गया, बस 5 बज रहे हैं। ये देखें अफ्तारी की तैयारी किसने करनी है यार, उठे ना। अच्छा उठता हूँ। मैं सोच रही हूँ कि आज हम लोग बना लेते हैं पास्ता, चिकन पास्ता बना लेते हैं और साथ में थोड़े से पकोड़े बना लेते हैं और थोड़े बहुत समोसे बना लेते हैं। क्या कहते हैं आप, मेन्यू ठीक है? क्या कहा आपने? सुना भी नहीं। मैं आपको कह रही हूँ गुड मॉर्निंग। अच्छा अब्दुलरहमान मुझे बताओ आपका रोजा है? यस। कौन सा रोजा है? चीनी रोजा। अच्छा तो मरवा आप बताओ आपका रोजा है? होना चाहिए था लेकिन क्यों नहीं हुआ? तो मरवा तो माशाल्लाह से आप सबको पता है कि 8 इयर्स की हो गई है। इस दफा मरवा ने इंटरेस्ट शो किया था कि मम्मा मैं भी रोजा रखूंगी, क्योंकि उसकी क्लास फेलोज भी हैं कुछ जो रोजा रख रहे हैं और वैसे भी मरवा का बहुत मूड था। तो मैंने कहा ओके मरवा, वी विल ट्राई ऑन वीकेंड। लेकिन मरवा सैटरडे और संडे दोनों दिन मरवा सहरी के टाइम नहीं उठी रोजे के लिए, लेकिन कोई बात नहीं मरवा, वी विल ट्राई अगेन। ओके अभी हमारे पास बहुत टाइम है, पूरा रमजान पड़ा हुआ है। मैंने बनाना है पास्ता, उसके लिए आपने लेके आनी है ब्रोकली थोड़ी सी, ठीक है? चले अब हम लोग चलते हैं किचन में। लुकमान को उठा दिया तो ये उठने वाले होंगे। हम चलते हैं किचन में क्योंकि हमने बहुत सारे काम करने हैं। सबसे पहले रखते हैं पास्ता बॉईल करने के लिए और सारी चीजें रेडी करते हैं, उसके बाद हम लोग बनाना शुरू करेंगे। इसमें डाल लेते हैं पानी क्योंकि हमें पास्ता बॉईल करना है। चलें जी पानी यहाँ रखते हैं और करते हैं पास्ता बॉईल। चलें जी टाइम हो चुका है पास्ता बॉईल करने का और अब मैं पास्ता इसके अंदर डालने लगी हूँ। ओके ओके लेट्स गो फॉर टेक ब्रोकली। वाह नहीं ये वाला नहीं, दिस वन वेरी स्मॉल लुक। व्हाट अ गुड शॉट। लेट्स गो फॉर पेमेंट। गिव मी गिव मी। ब्रोकली, थैंक यू फॉर द ब्रोकली। आ गई हमारी, यहाँ पे हमारा पास्ता हो रहा है बॉयल और ब्रोकली आ चुकी है, तो चलें सब्जी रेडी करते हैं। मैं रेडी कर रही हूँ वेजिटेबल्स। अच्छा तो अब्दुलरहमान कह रहा है यू वांट टू हेल्प मी, हाँ? व्हाट डू यू वांट टू डू विद मी? I want to help you. You want to help me right now? लेकिन अभी अभी तो ये मामा कटिंग कर रही है ना, तो मैं आपको ये वाली हेल्प नहीं करने दे सकती। It's
it's not safe for you. Yeah, but I know, but I want to help you. Pasta. And हमारा pasta भी ready हो चुका है. Pasta भी निकालते हैं जल्दी से. करते हैं यहाँ पे. Bismillah. ये हो गया हमारा pasta ready. हम बनाएंगे यहाँ व्हाइट सॉस. चलिए इसमें डालते हैं बटर. हमारे पास टाइम जो है ना वो बिल्कुल थोड़ा रह गया, आधा घंटा रह गया. और यहाँ पे मैंने चिकन रख दिया रेडी करने के लिए, सॉस रेडी है, पास्ता रेडी करते हैं और उसके बाद हमें पकोड़े भी बनाने हैं और बाकी सारी चीजें भी बनानी है. तो अब हम लोग करेंगे काम नॉन स्टॉप और आपसे बातें करेंगे अफ्तारी के बाद. इसमें हम डालेंगे ऑयल. या यहाँ पे अब्दुल रहमान जो है वो शुगर डाल रहा है और जूस हो गए. हाँ, I think it's enough. Okay, thank you. I will give you Rinto. I will put inside. So you want to? Okay, this is my Rahmanirrahim. और मैं पानी लेके आती हूँ. हम पानी से भरेंगे. Now you can mix, mix, mix. Okay. Let's add sauce. Pasta sauce. और हल्की सी ब्लैक पेपर, बाकी चीजें जरूरत नहीं है. पास्ता का केक बन गया. पास्ता जो है रेडी हो गया. अब सवा छह हो गया, हमारे पास जस्ट 15 मिनट्स है. तो जल्दी से बनाते हैं पकोड़े और समोसे. हम खाते हैं आलू. अब हम बनाएंगे पकोड़े. यहाँ पे रख दिया हमने पकोड़े फ्राई होने के लिए और हमारे पास जस्ट 8-9 मिनट रह गए हैं बस. ये जल्दी रेडी हो गए हम. रोज़ा खुलने में सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं और अभी तक से अफ्तारी रेडी होके नहीं आई. सारे जल्दी प्लीज. चलें जी, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से पास्ता भी रेडी है और इसको हमें लेके चलते हैं. चिली फ्लेक्स में नहीं डाल रही क्योंकि बच्चे नहीं खाते. चलिए अब मैं यहाँ पे रोल फ्राई करूँ जल्दी से. كين ازداد جمالا جوهرنا هنا في القلب كلالا لالا نور بالناس بمالا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى. चलें बच्चों रोजा खोलें. रोजा खुल चुका है, अजान हो चुकी है. Love, I like it. Done. मरवा का पास्ता. अब्दुल रहमान कैसा है पास्ता? मरवा कैसा है पास्ता? टेस्टी. चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोगों ने अपना रोजा खोल लिया टाइम पे. सारी चीजें रेडी हो गई थी, बस मैंने मेन्यू में से समोसे निकाल दिए थे क्योंकि इतना टाइम नहीं था और मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा चीजें हो जानी थी. हाय. चले जी रोजा अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार कर लिया, मगरिब की नमाज पढ़ ली. नमाज पढ़ते ही देखे मैंने क्या देखा. यहाँ इनको क्या हो गया? आप रोजा खोल के अब आपको क्या हो गया फिर से? हेलो क्या बात है, ऐसे क्यों पड़े हुए यहाँ? रोजा खोलने के बाद ये हालत. वैसे इस बात पे तो कोई शक नहीं है कि रोजा खोलने के बाद जो है ना बहुत ज्यादा सुस्ती हो जाती है. लेकिन मैं नॉर्मली क्या करती हूँ कि जैसे ही इफ्तारी होती है ना तो मैं दो पकोड़े दो समोसे खा के ना लाइक दो रोल दो पकोड़े तो मैं नमाज पढ़ती हूँ. और अब मैं जब के नमाज पढ़ के फ्री हो चुकी हूँ
तो अब मेरी बारी आती है खाने की। चलो जी, अब हम लोग बैठ के कुछ खा लेते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे किचन की क्या हालत हो चुकी हुई है। Baba, what's that? What's that, brother? Do ba 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 do. आज की हमारी अफ्तारी डन हो गई और आपने देखा कि हमने सारा किचन भी साफ कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह से। और थक गया मैं सारा काम कर कर के। काम सारे मैंने किए, थकावट इनको हो गई, ये हालात है इनके। चले हनीवेश, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रमजान का महीना है, कोई बात नहीं। बोलने जितना झूठ बोलना आपने, लगता है एक शैतान रह गया था बाहर। चलो जी, एनीवेज इस वक्त जो है ना, थकावट से बहुत बुरा हाल हो चुका हुआ है। अभी हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद ईशा की नमाज भी पढ़नी है, तरावियाँ भी पढ़नी है। तो आपको पता है कि ये जो रमजान के डेज होते हैं ये बहुत बिजी होते हैं, लेकिन बीच में रेस्ट करना भी जरूरी होता है। अपना ख्याल भी रखा करें, रेस्ट भी किया करें। जो लोग स्पेशली बहुत सारे काम करते हैं लुकमान की तरह, सारा दिन बिजी रहते हैं, उनके लिए मैं यही कहूंगी कि अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, खाएं पिएं, इबादत भी करें, सब कुछ करें, लेकिन अपना ख्याल सबसे पहले रखें। चले जी, व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आपसे मिलेंगे न्यू व्लॉग में। अगर आपको आज के व्लॉग का मजा आया तो प्लीज इस व्लॉग को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपकी सपोर्ट के साथ ही होता है कि हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे और व्लॉग्स लेकर आते हैं, क्वालिटी व्लॉग्स लेकर आते हैं। क्वांटिटी की खैर है, लेकिन क्वालिटी व्लॉग्स होने चाहिए। और चलें, आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, टेक केयर, मच लव, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।